नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूं। दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है एक मशीन है, ये आपका क्या काम करती है, तो आप जो बुआई करते हैं उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा काम में आती है। दोस्तों जैसे कि जब मानसून स्टार्ट हो जाता है तो आप बुआई के लिए तरह तरह की मशीन यूज़ करते हैं, जैसे कि सीड ड्रिलिंग की मशीन आप यूज़ करते हैं जो ट्रैक्टर के साथ लगी होती है, लेकिन वो हर जगह पे हर खेत में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं कि लेबर लगा के आप वहाँ पे हाथ से डिबलिंग करते हैं, मतलब हाथ से उसको लगाते हैं, कहीं पे ब्रॉडकास्टिंग फेंक देते हैं हाथ से, ऐसे नए बहुत सारे तरीके हैं। तो वहाँ पे आपका खर्चा बढ़ जाता है और पता नहीं वहाँ पे जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये मशीन यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपके खेत में क्या होगा कि आपकी जो बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाएगी, एक तो पैसे की भी बचत हो जाएगी, उसके बाद सीड की भी बचत हो जाएगी और वहाँ पर टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो दोस्तों एक्चुअली ये मशीन है क्या, तो आप इससे जो है बुआई कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो देखिए हर तरीके का बीज इसमें, जैसे कि सोयाबीन हो, मक्का हो, चना हो, जहाँ भी आप इसको लेके आप इससे बुआई कर सकते हैं। जैसे कि हाथ से जो है ना डिबलिंग मेथड एक होती है, हाथ से जैसे थोड़ा थोड़ा हर जगह पे लगाते हैं, ऐसे इससे लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो लोग नहीं मिलते उसको लगाने के लिए और टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन इस मशीन से कोई भी तरीके का बीज हो आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर दोस्तों इस मशीन की बात की जाए तो ये मशीन जो है बहुत ही हल्की है, लगभग 2 किलो के आसपास मशीन है और एक आदमी इसको आसानी से दिन भर 1 एकड़ का काम इससे जो है कर सकता है। कोई भी तरीके का सीड्स जो है इससे बो सकता है ज़मीन के अंदर। अगर इसके मतलब क्वालिटी की बात करें तो इसकी पूरी प्लास्टिक की बॉडी है इसकी, और मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा मतलब हार्ड से यूज़ इसको करते हैं तो दिक्कत आ सकती है इसमें, इतनी भी मजबूती से मुझे बनावटी थोड़ा कम लग रही है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ यह है ये बुआई कैसे करता है। तो यहाँ पे नीचे जो है ये दिया गया है और ये खुलता है जब ज़मीन के अंदर जाता है, तो ऊपर से सीड्स गिरता है, तो यहाँ से ऊपर से जो है सीड्स भरा जाता है। और सबसे खास बात है कि एक साइड से सीड्स भी भरता है, एक साइड से खाद भी छोड़ता है, मतलब एक साथ आप दोनों काम कर सकते हैं। जिस डिप में खाद जाएगा उसी डिप में मतलब आपका सीड्स भी जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा। जब वो सीड्स उग जाएगा तो उसको खाद भी आसानी से मिल जाएगा। और सबसे खास बात कि इसमें कोई भी सीड्स हो, जैसे छोटा हो बड़ा हो, पूरा सीड्स आप इससे जो है लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे डाई दी रहती है, वो आप चेंज कर सकते हैं 2-3 तरीके की, छोटी बड़ी हो। तो इसके बाद क्या है कि आप अगर एक टाइम पे 2 बीज छोड़ना चाहते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे साइड से एक पट्टी दी गई रहती है, इसको आप अगर निकाल देंगे एक साइड में लगा देंगे तो वहाँ से 2 सीड्स छोड़ेगा, अगर दूसरी साइड लगा देंगे तो 1 सीड्स छोड़ेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको 2-2 सीड्स लगाना पड़ता है, तो वो भी ये काम करता है। ये बहुत अच्छी बेहतरीन मतलब इन्होंने जो है आइडिया यहाँ पे दी गई है। उसके बाद खास बात ये है कि ये ज़मीन के अंदर चाहे जितना आप इसको डाल सकते हैं, 2-3 इंच यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जब इसको आप ज़मीन के अंदर डालते हैं दोस्तों, तो क्या है कि इसको खट से दबाना पड़ता है, ये देख सकते हैं इस तरीके से वर्किंग इसका बहुत ही आसान है और बहुत तेज़ी से जो है छोटे बच्चे हो, चाहे तो महिलाएं हो, चाहे बुज़ुर्ग आदमी हो, कोई भी हो, इससे जो है आसानी से आप काम भी तेज़ी से कर सकते हैं और ईजी भी है दोस्तों। और इस मशीन की खास बात यह है कि बहुत लाइट वेट होने की वजह से काम बहुत तेज़ी से होता है और पीछे से जो है ये ज़मीन पे टिका रहता है ये चीज़, और आगे की चीज़ इस ज़मीन के अंदर घुस जाती है, ताकि ये चाहे जितना डीप में इसको घुस जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। एक बात और कि आप जिस खेत में मतलब जुताई अच्छे से किए, खेत मुलायम है, नरम है, वहीं पे इस मशीन को चला सकते हैं। अगर जहाँ पे खेत की जुताई नहीं की है वहाँ पे इस मशीन को आप नहीं चला सकते, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर घुसेगा नहीं, जहाँ पे जुताई की है वहीं पे घुसेगा और वहीं पे ये सीड्स छोड़ सकता है। और इसका यूज़ करते समय आपको आराम से यूज़ करना है, अगर आप फास्टली यूज़ करते हैं, फटफट यूज़ करते हैं तो दिक्कतें आ सकती है थोड़ा बहुत मशीन में, क्योंकि ऊपर जो है स्प्रिंग ही है, ये स्प्रिंग थोड़ा सा हल्की मतलब नॉर्मल हार्ड नहीं है, मतलब आप इसको कह सकते हैं लूज़ वगैरह हो गई तो टूट सकती है स्प्रिंग, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और बाकी तो ये मशीन बहुत ही बेहतर है अपने किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं कोई चीज़ की तो इसमें आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस मशीन की जो है यहाँ पे लोकल में प्राइस जो है 2000 के आसपास है, इसमें कई सारे मशीन्स आते हैं। तो दोस्तों सबसे खास बात ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस हमारे यहाँ पे पास में एक ये मशीन लाई थी, तो मैंने कोशिश की आपको दिखाने की इससे क्या क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस तरीके से और सारे भी मशीन आते हैं, जैसे कि आप उससे प्लांट लगा सकते हैं, और सीड्स में अलग अलग तरीके की ऐसी मशीनें वैरायटी की आती है अलग अलग, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे तो आपका काम फास्ट होगा और तेज़ी से होगा। एक दिन में अगर 2 मशीन्स लेते हैं तो 2 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा, और
मतलब फिजिकल भी सही रहेगा, क्योंकि हम लोग जब बैठ के झुक के लगाते हैं तो पीठ में दर्द करता है, लेकिन ये आप खड़े खड़े इसको दबाते दबाते फास्टली जा सकते हैं, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों इस मशीन के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मशीन काम के लायक है कि नहीं, किसी के पास हो तो वो भी कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं आपका अनुभव जो है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।